अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं रगड़ा चाट, जो कि बहुत ही चटपटी है, बहुत ही मज़ेदार है और खाने में बिल्कुल लाइट है। खाने के बाद बिल्कुल हल्का लगता है और बहुत ही मज़े का, बहुत ही चटपटा है। तो आप इसे इफ्तार में बनाकर खाएं या शाम के नाश्ते में, जब भी आपको चटपटी सी भूख लगी हो तब इसे बनाकर ज़रूर खाएँ। और ये बिल्कुल झटपट से बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इसको चलिए फटाफट से हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक प्रेशर कुकर यहाँ पर ले लिया, इसमें हम सफ़ेद बटाना ले लेते हैं। एक कप हमने लिया था, इसको रात भर हमने भिगो कर रख दिया था। और एक बड़ा आलू हम ले लेंगे, इसमें हम डाल देते हैं। इसको हमने टुकड़ों में काट लिया था। और इसमें अब डाल देते हैं आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं कुकिंग ऑयल। और 2 कप पानी डालकर हम इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे, अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ नमक और हल्दी डालकर भी इसको बॉईल कर सकते हैं। तो चलिए इसको ढक्कन लगाकर हम अच्छी तरीके से 3 सीटी आने तक अच्छी तरीके से पका लेते हैं। और जब तक हमारा रगड़ा तैयार होता है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो 1 मुट्ठी हमने धनिया की पत्ती ले ली है, थोड़े से पुदीना के पत्ते हमने ले लिए हैं एक मिक्सी जार में, और 5 हरी मिर्च हमने यहाँ पर ले ली है, और 5 हमने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, जिसको बड़े कलियाँ थी तो हमने इसको काट लिया था। और इसमें हम डाल देते हैं नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1/4 टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं काला नमक। 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे भुने हुए जीरा का पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें दही डाल देंगे। और अब मिक्सी का ढक्कन इस तरीके से लगा लेते हैं और इसको अच्छी सी चटनी बनाकर तो हम पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अच्छी सी हरी रंग की बहुत ही अच्छी सी चटनी बनकर तैयार हुई है, चाट वाली चटनी। तो आप हर चाट के लिए इस तरीके से चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा रगड़ा जो है अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है, पक चुका है। और इसमें जो आलू दिख रहे हैं इसको इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए। रगड़ा चाट में ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप कोई भी रगड़ा बनाएं उसमें आलू ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए इसको हमने आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। तो चलिए अब हम रगड़ा बनाना शुरू करते हैं, चाट बनाना शुरू करते हैं। तो 1 प्लेट में हमने रगड़ा निकाल लिया है और यहाँ पर हमने पूरी ले ली है, यहाँ पर पापड़ी जिसे कहते हैं, इसको तोड़कर ऊपर से हम डाल देते हैं। और बारीक कटा हुआ प्याज थोड़ा सा डाल देंगे, आपको जितनी पसंद हो उतना डालें, आपको ना पसंद हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हरी चटनी हम ऊपर से डाल देंगे। तो अब हम डाल देते हैं इमली और गुड़ की चटनी, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे मीठी दही। तो दही में हमने थोड़ा सा शक्कर डालकर इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया था और ऊपर से हम इसको डाल देंगे। और ऊपर से हम थोड़ा सा सेव डाल देते हैं, नायलॉन सेव जो होता है वो हम ऊपर से डाल देते हैं। आपको जो पसंद हो आप उस तरीके से इसको खा सकते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देते हैं। और ये हमारा चटपटा सा हमारा रगड़ा पापड़ी चाट बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, हमने इसको यहाँ पर सर्व किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये रगड़ा पापड़ी चाट की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।